हेलो गाइस, दिस इज़ ज्योति नाहक एंड वेलकम टू मूवीज अड्डा। वहाँ माया आपको त्रास दे रही है और यहाँ पर रोहित शेट्टी सर त्रास दे रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस खतरे के बारे में? मतलब मुझे सब त्रास ही त्रास दिए जा रहे हैं। क्यों हो रहा है? अब पता नहीं क्या, मतलब भगवान कोई एक ऐसे आपका एक आता ना, एक टाइम आता है जब आपको त्रास दिए जाते हैं। हाँ, बट कहते हैं उसी टाइम में आप सबसे ज़्यादा सीखते हो। तो मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है। आप देख सकते हैं शो हमारा 22 फेब को आ रहा है, खतरों के खिलाड़ी, जो मैंने कभी सोचा नहीं था मैं जाऊंगा वहाँ पे और इतने सारे स्टंट्स करूंगा, क्योंकि मुझे काफ़ी सारे डर लगते हैं जी। बट काफ़ी डर को ओवरकम किया, अच्छे से गए, हमने खेला, एक ऐसी जर्नी देखी जो जनरल लाइफ में कोई भी ईजीली नहीं देखता है। तो आई फील रियली वेरी लकी टू बी पार्ट ऑफ दैट शो एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी कि वो शो आ रहा है हमारा जल्दी से। सबसे बड़ा डर क्या था आपका जो आपने ओवरकम कर लिया इस शो के दौरान? देखिए, ओवरकम ऐसा कुछ नहीं होता है, उस टाइम आप फेस करते हैं और आप उससे आगे बढ़ जाते हैं। बट वो जो एक सेटिस्फैक्शन होती है आपके माइंड में कि मैंने किया फाइनली, दैट्स अ बिग थिंग। अच्छा, सारे कंटेस्टेंट्स के साथ बॉन्डिंग तो ऑफ कोर्स हमने देख ही लिया प्रोमो में, यू नो, सभी के साथ बहुत अच्छी थी। रोहित शेट्टी सर के बारे में स्पेशली कुछ बोलना चाहेंगे उनके लिए? रोहित शेट्टी सर, एक तो उन्होंने हमारे प्रैंक्स बहुत किए हैं और दूसरा रोहित शेट्टी सर ने हमें इतना प्यार, इतना सपोर्ट और इतनी मोटिवेशन दी है, क्योंकि हम एक्टर हैं, हमें भी नहीं पता इतने बड़े बड़े स्टंट्स कैसे करें, बट उनका एक बैकग्राउंड ऐसा रहा है, बड़ी बड़ी फिल्में करते हम देखते हैं एक्शन की, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया और बहुत प्यार दिया। तो फैंस के लिए कोई मैसेज देंगे? फैंस के लिए कहूँगा 22 फेब से हमारा शो आ रहा है 9 बजे, प्लीज़ देखिएगा खतरों के खिलाड़ी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।